हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मीठा नीम का पौधा किस प्रकार से हमें लगाना चाहिए कि वो तेजी से बढ़े और उसकी जो ग्रोथ है वो रुके नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण हमारा मीठा नीम का पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाता है, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। मीठा नीम से दोस्तों हमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो इसके पत्ते रहते हैं उससे जो हमारा पाचन तंत्र रहता है, पेट की बीमारी रहती है, चाहे बीपी जैसी समस्या रहती है, वो सारी ठीक हो जाती है। इसलिए मीठा नीम का पौधा तो हर एक घर में लगाया जाता है, क्योंकि मीठा नीम से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो हम जानेंगे कि मीठा नीम को तेजी से बढ़ाने के लिए हमें उसे किस प्रकार लगाना चाहिए और उसमें क्या फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिससे मीठा नीम का पौधा रुके नहीं, लगातार बढ़ते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए हमारे नर्सरी में मीठा नीम का पौधा इतनी साइज का मिलता है, आपको 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाता है। छोटे बड़े का साइज रहता है, तो आपको छोटे छोटे साइज का दोस्तों दो मीठा नीम का पौधा ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों पहले इसको आपको छोटे पॉट में लगाना है। तो पॉट के लिए ये देखिए मैंने ये 10 इंची का पॉट ले लिया है, और उसमें दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि होल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि पानी जमा नहीं होना चाहिए, पानी पूरा बाहर जाना चाहिए, इसलिए होल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा एक पत्थर इस गमले में रख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले हमें मीठा नीम को छोटे पॉट में लगाना चाहिए, फिर 6 महीने बाद 14 इंची पॉट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी भी चेंज हो जाती है और पौधा हमारा फिर से बढ़ने लग जाता है। और मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों ये देखिए आपको क्या करना है, काली मिट्टी ले लेना है और उसमें थोड़ा भूसा मिला लेना है और उसमें थोड़ा गोबर खाद भी मिला लेना है, और तीनों को अच्छे से मिलाना है और तब जाके अपने मीठा नीम के पौधे को लगाना है। क्योंकि दोस्तों मिट्टी अच्छे से तैयार करके लगाएंगे तभी हमारा मीठा नीम अच्छे से बढ़ेगा। और जो भूसा रहता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है मिट्टी में, मिट्टी हमारी चिपकती नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले आधा गमला आपको मिट्टी ऐसे भर लेना है। आधा गमला भरने के बाद आप जो भी मीठा नीम का पौधा लेकर आए हैं दोस्तों उसको आपको झिल्ली से फाड़ लेना है। ये हमने फाड़ लिया है, अब फाड़ने के बाद इसको एक तरफ ऐसे लगा देना है। तो दूसरा मीठा नीम का पौधा है दोस्तों, उसको भी आपको फाड़ के ऐसे निकालना है, और निकालने के बाद आपको दूसरी तरफ इसे ऐसे लगा देना है। दो मीठा नीम का पौधा क्यों लगाया है दोस्तों, क्योंकि एक मीठा नीम का पौधा लगाते हैं तो वो जल्दी से बढ़ता नहीं है। अगर आपको जल्दी मीठा नीम का पौधा बढ़ाना है और उसको खाना है तो आपको दो मीठा नीम का पौधा एक साथ अपने गमले में लगाना पड़ेगा। पौधा हमने लगा दिया तो जो इसका जड़ होता है इसको आपको ऐसे दबा देना है। कोई सा भी पौधा लगाएं तो उसका जड़ थोड़ा दबा देना चाहिए, जब वो नए मिट्टी में जाता है तो उसकी जड़ में हवा ना लगे, इसके कारण उसको हम थोड़ा सा दबा कर ही लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपका मीठा नीम का पौधा पहले से लगा हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, तो आपको तुरंत उस गमले से मीठे नीम के पौधे को निकालना है और मिट्टी को अच्छे से बनाना है, या फिर नर्सरी से आप मिट्टी खरीद कर लेकर आ सकते हो और उसे अपने नए पॉट में डाल के जो पुराना मीठा नीम का पौधा है उसे लगाना है। क्योंकि जो पहले की मिट्टी रहती है वो जम जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, जिसके कारण मीठा नीम का पौधा हमारा बढ़ नहीं पाता है।
और अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, अभी आपने अभी अभी लगाया है, तो उसकी दोस्तों आपको कोड़ाई करते ही रहना चाहिए। का रड आपको बना लेना है और आपको हफ्ते दिन में उसकी कोड़ाई करते रहना है। कोड़ाई करने से मिट्टी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है और जड़ में हवा भी लग जाता है, जिसके कारण हमारा पौधा अच्छे से बढ़ पाता है। और जंगल जुंगल तो आप लोग निकालते ही रहते हैं। और जो मीठा नीम का पौधा रहता है दोस्तों, उसे 8 से 10 घंटे धूप की जरूरत होती है। पर्याप्त धूप ना मिलने के कारण हमारा मीठा नीम बढ़ नहीं पाता है और सिकुड़ कर रह जाता है। इसलिए मीठा नीम के पौधे को आपको धूप में ही लगाना है। और पानी दोस्तों, अभी बारिश का समय चल रहा है तो मीठा नीम में ज़्यादा पानी नहीं लगता है, लेकिन जो गर्मियों का समय रहता है तो उसमें मीठा नीम में आपको दिन में 2 बार पानी डालना चाहिए। और विंटर सीजन में मीठा नीम में आपको दिन में 1 बार पानी डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से भी हमारा मीठा नीम गलने लगता है और सूखने लगता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और समय समय पर दोस्तों उसमें फर्टिलाइजर डालते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। फर्टिलाइजर दोस्तों, होममेड फर्टिलाइजर आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्ते हमारे खाने में यूज होता है, इसलिए हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं। मीठा नीम के पौधे में दोस्तों कभी भी ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो हमारा प्लांट धीरे धीरे गलने लगता है और सूखने लगता है। और इसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके पत्ते को हम लोग ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और ये हमारी बहुत सी बीमारियों में काम आता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसका फर्टिलाइजर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपको छाछ ले लेना है। छाछ आपको आपके किचन में मिल जाएगा। ये मीठा नीम के पौधे को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है, जो मीठा नीम को बढ़ने में मदद करता है। और उसके बाद इसमें दोस्तों एक चीज़ और डालना है, वो है ये देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको 1 चम्मच के हिसाब से डाल देना है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा रहता है दोस्तों, वो दोस्तों मीठा नीम में किसी प्रकार की फफूंदी वायरस नहीं आने देता है, मीठा नीम की हरियाली को बनाए रखता है। इसलिए बेकिंग सोडा इसमें मिलाकर डाला जाता है। इसको आपको अच्छे से दोस्तों मिला लेना है और कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद अपने मीठा नीम के पौधे में दोस्तों आपको अच्छे से डालना है। और दोस्तों इसको आप ताज़ा ताज़ा बना कर डालेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। जो मीठा नीम के पत्ते दोस्तों सिकुड़ से जाते हैं, उसके लिए भी दोस्तों आपको स्प्रे बोतल ले लेना है। और स्प्रे बोतल में आपको जैसे 1/2 लीटर पानी लिया हुआ है, तो 1/2 लीटर में आपको इसे 1/2 गिलास के हिसाब से डाल देना है। और डालने के बाद इसको आपको धूप में स्प्रे नहीं करना है, आपको 4 बजे के बाद ही स्प्रे करना है। तो मीठा नीम के पत्ते में दोस्तों कोई बीमारी नहीं आएगा और पत्ता भी आपका एकदम फ्रेश रहेगा। और अपने मीठा नीम के पौधे में दोस्तों स्प्रे कर देना है आपको शाम के समय, तभी ये अच्छे से काम करता है। स्प्रे करने के 2 घंटे तक आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये जो फर्टिलाइजर है दोस्तों छाछ का, आपको हफ्ते हफ्ते अपने मीठा नीम के पौधे में डालना है। और डालने के 1 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं डालना है, 1 घंटे के बाद ही आपको पानी डालना है। फर्टिलाइजर आप ज़्यादा दिन स्टॉक करके नहीं रख सकते हो, ताज़ा ताज़ा बनाकर डालेंगे तो ज़्यादा ये काम करेगा। तो दोस्तों यही वाला फर्टिलाइजर आप डालिए, आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसी प्रकार मीठा नीम के पौधे को लगाएं।
और एक बात और दोस्तों, वो मैं भूल गई, जैसे मीठा नीम का पौधा है और आपको जैसे घना करना है तो ये जो ऊपर का हिस्सा रहता है आपको ऐसे तोड़ देना है। तोड़ने से क्या रहेगा, मीठा नीम आपका ऐसे घना होगा और बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, तो उसका प्रूनिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहेंगे दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे रिक मेरा नमस्कार।